कोरोना संक्रमण में सुरक्षात्मक उपाय एवं सामान्य सलाह। हाथों को साफ रखें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ वाले स्थानों में नहीं जावें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक प्रयोग। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कोविड हेल्पलाइन नंबर 9530130156, 9530130157, आयुष कोविड हेल्पलाइन नंबर 1443, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान मानद विश्वविद्यालय, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त निकाय। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक प्रयोग। स्वस्थ रहने के लिए सामान्य उपाय। 3 दिन में 3 से 4 बार गुनगुना पानी पिएं। यह शरीर में टॉक्सिनस कम करता है। अत्यधिक गर्म या ठंडा पानी नहीं पिए। सुपाच्य ताज़ा बना हुआ भोजन ही करें। खाना बनाने में हल्दी, जीरा, धनिया, सौंठ, लहसुन आदि मसालों का नियमित किंतु अल्प प्रयोग करें। नमक एवं तेल भी संतुलित रखें। नियमित रूप से कम 30 मिनट व्यायाम, योग व प्राणायाम करें। दिन में 1 से 2 बार गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक एवं हल्दी डालकर गरारा करें। बाहर से आने पर यह प्रक्रिया अवश्य करें। रात सोने से पहले एवं घर से बाहर जाने से पहले नाक में नियमित रूप से 2 बूंद सरसों का तेल, अणु तेल, घी, नारियल तेल डालें। 7 से 8 घंटे की नियमित नींद लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर पर निम्न उपाय किए जा सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार नियमित रूप से हल्दी वाला दूध का सेवन करें। हल्दी की मात्रा 2 ग्राम 150 मिली दूध में लें। साथ में नीचे लिखे में से कोई एक प्रयोग करते रहें। किसी भी रूप में आंवले का नियमित प्रयोग करें, जैसे चूर्ण, च्यवनप्राश, मुरब्बा, कैंडी या जूस के रूप में, या गिलोय का प्रयोग, काढ़े, चूर्ण, गोली या जूस के रूप में नियमित कर सकते हैं, या नियमित रूप से आयुष काढ़े तुलसी 4 भाग, 5 से 6 पत्र, दालचीनी 2 भाग, 2 चुटकी, सौंठ 2 चुटकी, काली मिर्च 1 भाग, 1 चुटकी, स्वाद के लिए गुड़, मुनक्का, इलायची मिला सकते हैं। 150 मिली उबलते हुए पानी में 10 मिनट ढककर रखें और चाय की तरह दिन में 2 बार पिएं। आयुष काढ़ा आयुर्वेद आयुष विक्रय केंद्रों पर भी उपलब्ध है। अल्प लक्षणों में आयुर्वेदिक उपाय। लक्षण उत्पन्न होने पर घबराएं नहीं एवं धैर्य से काम लें। गले में खराश या सर्दी जुखाम होने पर चुटकी भर पुदीना, अजवाइन, कपूर, यूकिलिप्टस डालकर या सादा पानी से भाप लेना उपयोगी है। हल्के बुखार की अवस्था में आयुष 64 वटी, संस्मनी वटी, महासुदर्शन घन वटी का प्रयोग किया जा सकता है। 3, लक्षण बने रहने पर योग्य आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।
स्वास्थ्यवर्धक आहार एवं पोषण निर्देश, डूस करें, डोंट्स ना करें। तो पहले हम करें पढ़ते हैं। साबुत अनाज जैसे बिना पॉलिश किए चावल, साबुत गेहूं का आटा, जो बाजरा आदि खाएं। भोजन में सभी प्रकार की दालों को शामिल करें क्योंकि ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ताजे मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का प्रयोग करें। उपयोग करने से पहले फल सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। 8 से 10 गिलास सादा या गुनगुना पानी पिए और खुद को हाइड्रेट रखें। पानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। खट्टे फल जैसे आंवला, अनार, नींबू, मौसम्बी और संतरा विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि करने में और संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। संयमित मात्रा में मसालों को शामिल करें, जैसे अदरक, लहसुन और हल्दी, जो कि प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति बूस्टर हैं। घर का बना ताजा खाना खाएं। खाना पकाने के लिए कम तेल का उपयोग करें। गाय का दूध या कम वसा वाले दूध और हल्दी को शामिल करें क्योंकि वे प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। डोंट्स ना करें। मैदा, तला हुआ और जंक फूड खाने से बचें। चिप्स, कुकीज आदि, शर्करा या पैक किए जूस और कार्बोनेटेड पदार्थ से बचें क्योंकि इनमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। ताड़ का तेल, डालडा, बाजार का मक्खन आदि को खाने से बचें क्योंकि ये असंतृप्त वसायुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फ्रिज का ठंडा पानी, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम आदि का परहेज करें। गले में खराश या खांसी की स्थिति में खट्टे फलों से का परहेज करें। भोजन में अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग ना करें। पचने में भारी एवं बासे खाने का परहेज करें। जुकाम, खांसी, बुखार आदि की अवस्था में और रात के वक्त दही का सेवन ना करें। नियमित रूप से अभ्यास करने योग्य योगासन एवं प्राणायाम, ग्रीव चालन, ताड़ासन, पद्मासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, शशांकासन, अद्रुष्ट्रासन, उत्तान मुंडकासन, वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंध आसन, पवन मुक्तासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, कपालभाति क्रिया, ध्यानासन। यह भारत सरकार का आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है। इसका उपयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और किसी और भी तरह की अन्य समस्या होने पर आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से सहायता ले सकते हैं या आयुष मंत्रालय के अस्पतालों से अपना इलाज करवा सकते हैं। हमें अपना इलाज में पहली प्राथमिकता देनी है कि हम अपना इलाज खाने की वस्तुओं से कर लें। यदि उसके बाद हम नेचुरल पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि गिलोय, हार सिंगार का पेड़ और तथा नीम और अन्य पेड़। उसके बाद हम आयुष मंत्रालय या आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं।
हमारा अंतिम विकल्प एलोपैथी होगा। एलोपैथी को हम पहले नहीं अपनाएंगे, उसे हम सबसे बाद में अपनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।